मेरा सौभाग्य है काशी आनंद का विषय ये है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पधार रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी नहीं आ रहे और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहाँ से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, इसलिए किसान कल्याण के काम निरंतर 10 वर्षों से जारी है और आज फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काशी के पधार रहे हैं। कृषि सखी किसानों की सहायता के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके बनाई जा रही है और वो भी कृषि के कार्यों में किसानों को सहयोग प्रदान करेंगी। उसके बदले उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। आज कृषि सखियों को भी प्रधानमंत्री जी यहाँ से सर्टिफिकेट प्रशिक्षण जो उन्हें प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र देंगे। ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, तो बहनें आय बढ़ने के कारण सशक्त होंगी और किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे आज जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का यहाँ हृदय से स्वागत और अभिनंदन करने के लिए काशी जी की जनता तैयार है। हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और कृषि मंत्री साही जी सहित अनेकों वरिष्ठ यहाँ उपस्थित रहे। सर योगी जी से सविता काफी और क्या योगी जी से ठीक है मुलाकात नहीं हुई, अपनी सीधी बात ये हुई ठीक है, कार्यक्रम के बारे में बताइए बाकी बात ठीक है। भैया थोड़ा बात